नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपके वो क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। याद रखिए, आपके इस तरह के क्वेश्चंस जिस भी परीक्षा में बनते हों, फिर चाहे आपका SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, पटवारी हो, शिक्षक की भर्ती हो या SI दरोगा की हो, जिसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सभी क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस तरह के हम लोग 4 टेस्ट अभी तक खत्म कर चुके हैं। और याद रखिए, मॉक टेस्ट फॉर वन डे एग्जाम के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है, उसमें सभी टेस्ट आपके डले हुए हैं, ठीक है। और सुबह जो आपका सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए जो टेस्ट आ रहा है, उसे भी आप लोग लगाते रहिएगा, ठीक है। उसमें और ज़्यादा विस्तार से बताया जाता है, तो आप और भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी? अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, हीर विजय सूरी। हीर विजय सूरी 1526 से 1595 तक के जैन मुनि रहे हैं, इनका जीवन काल कह सकते हैं आप लोग, इसके बीच रहा है। उसने अकबर को जैन धर्म के बारे में समझाया था और अकबर ने इनसे प्रभावित होकर ही उनको जैन मुनि की उपाधि दी हुई थी, जगत गुरु, ठीक है। हरि विजय सूरी भी कह देते हैं इन्हें, और हीर विजय सूरी भी कह देते हैं, सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मुगल साम्राज्य की बात, कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? तो ये था मराठा। कौन था? मराठा। मराठा राज साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो 1674 में शिवाजी ने की थी। किसने? शिवाजी ने की थी इसकी स्थापना। और ये 1760 में मराठा साम्राज्य 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। कितना? 28 लाख। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसके शासनकाल के बाद मुगल काल का पतन हो गया? किसके शासनकाल के बाद मुगल काल का पतन हो गया? आप सभी को पता होगा कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल साम्राज्य के राज शासक हुए, बहुत ही मतलब आप सोचिए कमजोर रहे, और ये अपना शासक जो भी क्षेत्र था उसे नहीं संभाल पाए। औरंगजेब तक ठीक स्थिति चली, उसके बाद इसका पतन होना शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में, यानी कि किसकी याद में हुआ था? ताजमहल का निर्माण किसकी याद में हुआ था? तो ये थी मुमताज महल, जो शाहजहां की बेगम थी, मुमताज महल, इन्हीं की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। याद रखिए, ये सफेद संगमरमर का बना हुआ है, ताजमहल आपका सफेद संगमरमर का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? अलाउद्दीन खिलजी। ये आपने देखी भी होगी पद्मावत मूवी, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है, आप लोग देखिए जरूर से। इस तरह की जो भी मूवी आया करेंगे आप लोग जरूर देख लिया करेगा, ठीक है। इससे क्या रहता है कि काफी हद तक आपके जो भी अगर इससे क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको याद भी रहती है, क्योंकि आप जानते हैं मूवी हमेशा आपको याद बनी रहती है। अभी एक किताब पढ़ने के लिए कह दीजिए, नहीं रहेगी, लेकिन मूवी क्योंकि हम बड़े ध्यान से देखते हैं उसे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1204 में देवगिरी पर आक्रमण किया था और वहां के जो यादव राजा थे उन्हें हराया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया था? 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया था? तो ये था मलिक कपूर। मलिक कपूर, आप जानते होंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और बहुत वफादार था। उसने दक्षिण विजय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी और वारंगल के खिलाफ यानी कि उन 1309 में जीत भी यहां दर्ज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मजमा अल
बहरेन की रचना किसने की? मजमा अल बहरेन की रचना किसने की? तो ये था दारा सिको। दारा सिको एक संस्कृत और फारसी का विद्वान भी रहा है। वह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। किसका? शाहजहां का। मुगल काल में उसने मजमा अल बहरेन की रचना की, जिसमें वेदांत का भी वर्णन किया गया है। इसमें अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, देखिए दिख रहा होगा आपको। अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्व का फारसी अनुवाद किया? अकबर के किस दरबारी दरबारी विद्वान ने अथर्व का फारसी अनुवाद किया? अथर्ववेद का, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये थे आपके हाजी इब्राहिम सर हिंदी, ये प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने अथर्ववेद का संस्कृत में से फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता लिखता था और टोपी सिलता था, आपने सुना भी होगा। इन्हीं इसी कारण ने जिंदा पीर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, घोघा के गोहिल राजपूत राजा मोकदिजी गोहिल किसके समकालीन थे? तो ये थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? मीर ए बहार। अकबर के प्रशासन में जो बंदरगाहों की व्यवस्था मीर के बहार देखता था, मीर ए बहार। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो उस समय दिल्ली का राजा कौन था? आपको मालूम होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में, ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है आपका, 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। तब दिल्ली सल्तनत पर मुंबई मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? तो ये था जयसिंह सिद्धराज। वो गुजरात का जो चालुक्य वंश था ना, उसी का राजा था। इसने मस्जिद के निर्माण के लिए 1 लाख मुद्राएं दी थी, इसीलिए इसे मस्जिदों के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है? जो नीचे आपके ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है आपका? बाज बहादुर मालवा सही है, सुल्तान मुफर शाह है ये गुजरात, यूसुफ आदिल शाह है ये अहमदनगर, ये गलत है आपका, कुतुब शाही ये आपका गोलकुंडा, ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा? सी, जो यूसुफ आदिल शाह था ये आपका बीजापुर के आदिल शाही वंश का संस्थापक था, कहा कि बीजपुर या बीजापुर के, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या ट्रिक लगाओगे आप लोग? टिक सी ऑप्शन करोगे, क्योंकि यही गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। याद रखिए, कोई भी अगर क्वेश्चंस का आंसर मैं बताता हूँ गलती हो जाती है तो आप लोग नीचे विस्तार से लिख दिया करिएगा थोड़ा, क्योंकि कोई भी हमारा परिवार आता है वो देखता है बाद में, तो कम से कम सबको मालूम तो होना चाहिए। ठीक है, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? मुसिरी और तोंडी, ये दोनों थे उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया, वो किस देश से था?
जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया, ये किस देश का निवासी था? तो आपको मालूम होना चाहिए, मोरक्को का। इसने क्या 8 वर्ष तक दिल्ली के काजी का पद भी संभाला है, इब्न बतूता ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया? मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया था? भीमदेव सोलंकी सेकंड, भीमदेव सोलंकी सेकंड ने मोहम्मद गौरी को 1178 में गुजरात के चालुक्य वंश राजा जो भीमदेव सोलंकी द्वितीय थे, इन्होंने हराया था। उसे बंदी भी बना लिया था किंतु बाद में छोड़ दिया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे, किस चोल राजा ने मालदीप को जीता? किस चोल राजा ने मालदीप को जीता? तो ये था राजराज चोल पिथम, ए ऑप्शन आपका सही है। पता होना चाहिए आपको इसकी, इसके पास 12,000 की समुद्री सेना भी थी, यानी कि ये समुद्र शक्ति से भी संपन्न था, चोल वंश का था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था, उसकी मृत्यु 20 फरवरी 1707, कब? 1707 में, 88 साल की आयु में उसकी मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया? अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया? ए 1602 में, कब? 1602 में, ये फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, यानी कि कह सकते हैं कि गुजरात विजय की खुशी में उसने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु, यानी कि कौन मरा था? क्या? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने पर, यानी कि घोड़े के ऊपर से गिरने पर किसकी मृत्यु हुई थी? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1210 की घटना है, कब की? 1210 की। आप सभी को मालूम होगा कि गुलाम वंश का ये पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ने गुलाम वंश की नींव डाली थी। क्वेश्चन है हमारे सामने, मान्यखेत किस वंश की राजधानी थी? मान्यखेत किस वंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट। किसकी? राष्ट्रकूट की। इस शहर को मालखेड़ भी कहा जाता है, मालखेड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मुगल सम्राट की शुरुआत किस वर्ष हुई? यहां सम्राट की जगह साम्राज्य लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि मिसप्रिंट हो जाता है कई बार। साम्राज्य कब हुई थी? 1526 में। आप सभी को मालूम होगा कि जो पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था, ये भी इसी समय हुआ था। बाबर ने युद्ध में इब्राहिम लोदी को भी मारा था, आपको मालूम होगा, पानीपत के पहले युद्ध में। और मुगल वंश की शुरुआत होती है 1526 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, द्वार समुद किस वंश की राजधानी थी? द्वार समुद किस वंश की राजधानी थी? ए थी होयसल वंश की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन है हमारे सामने, जहांगीर महल किस किले में है? जहांगीर महल किस किले में है? ये आपका आगरा के किले में देखने को मिलेगा। किसने बनवाया था? अकबर ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आप। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बाबर नामा का चागतई से फारसी में अनुवाद किसने किया? ये थे अब्दुल रहीम खान खाना। बाबर ने चागतई भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी,
जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। खान खाना आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक था और बैरम खान के पुत्र थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? मालाबार में अरब व्यापारियों से। किसमें? मालाबार में अरब व्यापारियों से। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली? आप सभी को मालूम होगा कि पुर्तगाली सबसे पहले हमारे देश में आए विदेशी, और सबसे बाद में गए। 1961 तक आपने देखा है कि कुछ राज्यों पर 1961 तक इनका राज रहा है। गोवा देखा है आपने, उस पर भी 1961 तक ही रहा है। तो एक कोचीन, कहाँ? कोचीन। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ? कोचीन में खोली थी। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है? किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है? यह है मोहम्मद शाह। बी ऑप्शन सही है। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक मुगल साम्राज्य का राजा रहा है, उसे रोजन अख्तर भी कहा जाता है। अब आप सोचिए कि नाम से ही इनका रंगीला, तो राज्य कहाँ तक चलेगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन जैसे ही राजाओं के कारण बाद में आपने देखा कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। क्वेश्चन है हमारे सामने, मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी? मराठा सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी? ये थी हवलदार की। किसकी? हवलदार की। आप में से यदि कोचिंग भी तैयारी भी कर रहे होंगे, हवलदार SI। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इलाहाबाद में जो किला है ये अकबर ने बनवाया था। कभी आप जाइए तो इसे घूम के भी आइए। अकबर के द्वारा बनवाया गया अंतिम किला था ये इलाहाबाद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी? अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी? ये थी सूबा। कौन थी? सूबा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अकबर के राज्यकाल के दौरान पंचमहल, बुलंदरवाजा, अकबर के मकबरे और अकबर के राज्य की राजधानी में क्या क्या एक जगह पर थी? क्या क्या एक जगह पर थी? तो इसमें आप देखेंगे कि बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल, ये एक ही जगह थे। अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी में थी, और यहीं पर उसने देखा कि आपने देखा होगा कि बुलंद दरवाजा भी रहा है, पंचमहल भी बनवाए गए हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ? हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ? इसका जन्म हुआ था काबुल में। आज आप इसे पाकिस्तान में देखेंगे, चित्त को। हुमायूं बाबर का पुत्र था। किसका? बाबर का। क्वेश्चन है हमारे सामने, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। ए ऑप्शन सही है। जो पृथ्वीराज रासो है ना, उसकी रचना इन्हीं ने की थी। किसने? इनके प्रसिद्ध कवि थे पृथ्वीराज के, चंद्रवरदाई। क्वेश्चन है हमारे सामने, अमोघ वंश वंश का राजा था? अमोघ वंश किस वंश का राजा था? ए था राष्ट्रकूट वंश का। बी ऑप्शन सही है। इसकी बात करें तो अमोघ वंश जो था ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। इसके शासनकाल की बात करें तो 800 से
878 ईस्वी तक इसने शासन किया। बैंगी के चालुक्यों को इसी ने हराया था युद्ध में। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, कांचीपुरम का वेंकट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया? कांचीपुरम का वेंकट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था नंदी वर्मन सेकंड ने, नंदी वर्मन सेकंड ने 8वीं सदी में बनवाया गया था। याद रखिए जो नंदी वर्मन सेकंड है ये पल्लव वंशी राजा था, पल्लव वंश का राजा था। क्वेश्चन है हमारे सामने, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये आपका देखने को मिलेगा जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ? राजस्थान में सिरोही जिले में। इसे 1231 में वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने बनवाया था। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको कह देना है राजस्थान सिरोही जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वंश में समुद्री साम्राज्य एक अलग साम्राज्य था? किस वंश में समुद्री साम्राज्य एक अलग साम्राज्य था? यह था राष्ट्रकूटों के समय। किसके? राष्ट्रकूटों के। क्वेश्चन है हमारा अगला, रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी? रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी? ये 1236 में बैठी थी। डी ऑप्शन सही है। आपको मालूम होगा कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किल्ती किसकी? इल्तुतमिश की। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, मुझे लगता है कि आप लोग एक बार प्लेलिस्ट सूची जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें इतना मटेरियल दे चुका हूँ कि आपको, मुझे नहीं लगता है कि जीएस के लिए, फिर चाहे आपका MPGK हो या फिर UPGK हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, इसके लिए कहीं कोचिंग की ज़रूरत पड़े या मटेरियल की ज़रूरत पड़े, क्योंकि काफ़ी हम कवर करवा चुके हैं। आराम से घर बैठकर इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और PDF आपकी सभी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, वहाँ से डाउनलोड करते रहिए। क्वेश्चन है हमारे सामने, रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था? मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूं ने। ए ऑप्शन सही है। रामायण, रामायण का संस्कृत भाषा में लिखी गई है और फारसी में इसका अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। और आप जानते हैं कि अकबर के दरबार में रहता था ये मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूं। इसके अलावा उन्होंने सिंहासन 32 का भी निर्माण किया, अनुवाद किया था इसने। ठीक, रामायण हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र थी ग्रंथ है ये। अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? तो ये था अथर्ववेद। ये जो अकबर के दरबार में रहता था इब्राहिम सरहिंदी। ठीक है, इसके अलावा रामायण महाभारत जैसे कई ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद किया गया। इसमें आप कहेंगे, सोच आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर क्यों फारसी में अनुवाद किया जाता था, तो एक बात आप लोग समझिए कि हमारे देश पर ये लोग राज कर रहे थे, तो हमारे यहाँ की, आप सोचिए, संस्कृति के बारे में मालूम तो होना चाहिए। आप कहीं व्यापार करने के लिए जाते हैं या नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ सबसे पहले आप क्या देखते हैं? वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की जो भी संस्कृति है, वहाँ जो भी रहन सहन का ढंग है, तो इसी लिए आप कहीं भी राज कर सकते हैं। आप सोचिए कि हमारे देश में पहले अंग्रेज आए, उस किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार के। लेकिन उन्होंने यहाँ की संस्कृति को समझा, उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ शासन करना बहुत आसान है, तो इसलिए उन्होंने आगे शासन करने लगे। ठीक है, तो इसी के जानने के लिए हमारे देश के बारे में इसका अनुवाद किया जाता था। अगला हमारे क्वेश्चन है, लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? आप सभी जानते होंगे कि औरंगजेब ने। औरंगजेब 1658 से 1707 तक राज्य संभाला, इसमें राजा रहा। क्वेश्चन है हमारे सामने,
इबादत खाना किस लिए बनवाया गया? इबादत खाना किस लिए बनवाया गया? ये बनवाया गया था धर्मों की चर्चा के लिए, धर्मों की चर्चा के लिए। और यहाँ पर सभी धर्मों के विद्वानों से चर्चा भी होती थी, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, क्वेश्चन है हमारे सामने, किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया? किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया? तो ये था वो औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब था, औरंगजेब ने। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली थी? तो ये था चौसा का युद्ध। कब हुआ है? 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें आपने देखा हुमायूं की बहुत बुरी तरह से जीत हुई, सॉरी हार हुई थी, और शेरशाह सूरी विजय हुआ था। क्वेश्चन है अगला हमारे सामने, कुषाणों के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता? कुषाणों के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता? तो ये जीता था बाबर ने। किसने? बाबर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? ये शेरशाह सूरी के थे, लेकिन आपने बाद में देखा होगा कि अकबर के मंत्री बन जाते हैं बाद में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए? इसने सोने चांदी और तांबे तीनों चलवाए, और रुपया भी इसी के समय चला। ठीक है, नाम रुपया उसी से समय पड़ा था। क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये आपके शेरशाह सूरी द्वारा। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया था, इसी के समय रैयतवाड़ी व्यवस्था वास्तव में इसी की देन थी, लेकिन आगे अंग्रेजों ने इसका उपयोग किया। तो चलिए, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ठीक है, चलिए आगे हम लोग मिलेंगे, आपका छठवां टेस्ट देखेंगे, पांच टेस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं आपकी।